खजुराहो लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं सपा नेता दीप नारायण सिंह यादव। सपा के प्रत्याशी कांग्रेस के सिंबल से लड़ सकते हैं चुनाव। टीकमगढ़ लोकसभा समाजवादी पार्टी को सीट देने की संभावना। खबरों के प्रायोजक हैं माइक किंडलैंड पब्लिक स्कूल। माइक किंडलैंड पब्लिक स्कूल में प्रवेश प्रारंभ। खजुराहो लोकसभा में भाजपा ने अपना उम्मीदवार प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को बनाया है। वहीं इंडिया गठबंधन में सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाने से कांग्रेस में हताश थी और लगातार कांग्रेसी नेता भाजपा में जा रहे थे। वहीं सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस के सिंबल पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता दीप नारायण सिंह यादव कांग्रेस से उम्मीदवार होंगे। वहीं टीकमगढ़ सीट समाजवादी पार्टी के खेमे में जा सकती है। दीप नारायण सिंह समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार है और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी हैं। समाजवादी पार्टी से गरौठा से विधायक रहे, कई पदों पर रहकर कार्य किया। पत्नी मीरा यादव मध्य प्रदेश की निवाड़ी विधानसभा से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी और जीती, विधायक रहीं। दीप नारायण उत्तर प्रदेश और मीरा यादव मध्य प्रदेश के एक साथ पति पत्नी विधायक रहे। बड़े अनुभव वाले व्यक्ति और कांग्रेस के सिंबल में होने वाले खजुराहो लोकसभा चुनाव में दीप नारायण सिंह यादव प्रत्याशी बनाए जाते हैं तो चुनाव में कशमकश होगी।